जवाब बेटा, हम वही चैप्टर 16 अपना आज आगे बढ़ाने वाले हैं, त्रिविम रसायन। और क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखो, केमिस्ट्री में त्रिविम रसायन हम लोग शुरू कर चुके हैं, और त्रिविम रसायन के बारे में जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया है उसको एक वाक्य में वापस से दोहरा दें। त्रिविम रसायन जब हमने पहले दिन शुरू किया तो हमने समावर्तता के बारे में पढ़ा था, जाना था कितने प्रकार की समावर्तता होती है। दूसरे दिन हमने जो अपनी ज्यामितीय समावर्तता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके बाद जो आज कल वाली जो वीडियो थी अपनी, उसमें हमने प्रकाशीय समावर्तता के बारे में जाना था, और प्रकाशीय समावर्तता का कुछ भाग जो बचा हुआ रह गया था वो भाग मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्रकाशीय समावर्तता में बेटा एक जो और महत्वपूर्ण बिंदु बचा था वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर हेडिंग लिखा हुआ है, विशिष्ट गुण। देखो, विशिष्ट गुण को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, इसका मैंने सूत्र लिखा है अल्फा लैम्डा टी बराबर अल्फा ऑब्जर्व अपॉन एल इंटू सी। अब सबको अलग अलग बताते हैं किसका क्या मतलब। जो अल्फा लैम्डा टी है इसका मतलब है विशिष्ट गुण जो यहाँ लिखा है। लैम्डा का मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। टी का मतलब है तापमान, जितने तापमान पर यह घटना कराई जा रही है। और अल्फा ऑब्जर्व का मतलब है पर्यवेक्षण का जो अपना एंगल आता है, एंगल ऑफ रोटेशन, जो घूमने का घूर्णन का जो एंगल आता है वो अल्फा ऑब्जर्वेशन है। एल उस ट्यूब की लंबाई है जिसके द्वारा प्रकाश को गुजारा जाता है। सी उस विलयन की सांद्रता है जिस विलयन में प्रकाश को जाना, जिसके द्वारा प्रकाश को गुजर के जाना। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी परिभाषा बोलती हूँ विशिष्ट घूर्णन की। यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई की पोलैरिमेट्री ट्यूब में 1 ग्राम प्रति लीटर का विलयन रखा जाए और लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को टी तापमान पर उसमें से विसरित किया जाए, तो उस प्रकाश के घूर्णन में जो भी कोण बनेगा वो हमारा अल्फा के बराबर है, वो अल्फा लैम्डा टी के बराबर है। मतलब जितना भी घूर्णन होगा किस कंडीशन में, यदि हमने पोलैरिमेट्री ट्यूब की लंबाई, पोलैरिमेट्री ट्यूब में उसके बारे में बात कर रही हूँ जो कल एक मैंने यहाँ पर चित्र बनाया था। ठीक है, जिसमें समतल ध्रुवीय प्रकाश बनाया था, समतल ध्रुवीय प्रकाश को फिर एक विलयन में से गुजारा था, विलयन में से गुजारने के बाद फिर वो निकोल प्रिज्म से गया था, और निकोल प्रिज्म से फिर वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, या तो डी में चला गया था या एल में चला गया था, दाहिने हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ चला गया था। ये बात समझ में आई, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वापस दोहराते हैं एक बार परिभाषा। यदि 1 सेंटीमीटर लंबी पोलैरिमेट्री ट्यूब में से 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का विलयन रखा जाए और लैम्डा तरंग दैर्ध्य का समतल ध्रुवीय प्रकाश टी तापमान पर उसमें से गुजारा जाए, तो जितना घूर्णन प्राप्त होगा वो घूर्णन विशिष्ट घूर्णन कहलाएगा। कैसे विशिष्ट घूर्णन कहलाएगा? देखो, मैंने बोला एल का मान 1 है, यहाँ पर एल है, एल का मान 1 है, गुणन सी का मान 1 है, 1 हो गए, 1 का मतलब ये दोनों बराबर होंगे। उस समय जो घूर्णन प्राप्त होगा जब पोलैरिमेट्री ट्यूब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी, उसके अंदर जो विलयन भरा गया होगा उसकी सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर होगी, तो उस समय जो घूर्णन हमें प्राप्त होगा उसको विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। ये बात समझ में आई? परिभाषा इसकी बुक में लिखी हुई है, नोट्स में भी मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, तो परिभाषा उसी में से देख कर तुम लिखना। अभी बोर्ड पर परिभाषा न लिख कर मैं कुछ संरचनाएँ बनाऊँगी, क्योंकि संरचनाएँ बनाने में फिर दिक्कत आती है, तो मैं तुम्हारे सामने वो संरचनाएँ बनाऊँगी। अच्छा बेटा, उसके बाद मैंने 2 हेडिंग और लिखे हुए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, केवल हेडिंग लिखे हुए। देखो, पहला हेडिंग जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताती हूँ तुम्हें, वैसे दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। पहला हेडिंग मैंने लिखा प्रतिबिंब समावेगी, इसी का दूसरा नाम है इनेंशियोमर, मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था। दूसरा मैंने लिखा है विवरण समावेगी, इसी का दूसरा नाम है डायस्टेरियोमर, और इसको अप्रतिबिंब समावेगी भी कहते हैं।
देखो प्रतिबिंब समावयवी और अप्रतिबिंब समावयवी या विविरण समावयवी में अंतर क्या होगा? देखो अब मैं क्या, मैंने कल भी तुम्हें हाथ का उदाहरण दिया था, आज वापस से हाथ का उदाहरण दे दूंगी। देखो ये हाथ, ये समझो कि यहाँ पे बीच में दर्पण लगा हुआ है, इस दर्पण में मैं इस हाथ का प्रतिबिंब मैं इस दर्पण में देख रही हूँ, ऐसा प्रतिबिंब आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा ही आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रतिबिंब को उठाकर इस हाथ के ऊपर रख दूँ। मैंने प्रतिबिंब को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, ऐसे, ठीक है। जो समूह बाएं हाथ की तरफ लगा हुआ था वो समूह दाहिने हाथ की तरफ चला गया प्रतिबिंब का, ठीक है। दोनों में तुम देख सकते हो कि इस तरह का अब मुझे संरचना प्राप्त होगी। तो इस तरह की संरचना अगर प्राप्त होती है किन्हीं भी दो समावयवियों से, प्रतिबिंब में जब उन्हें देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो एक को दूसरे के ऊपर रखने पर ऐसी आकृति प्राप्त होती है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर रख कर एक जैसे संरचना नहीं बनाते हैं, समान संरचना नहीं बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर्स, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट मेंशन करती हूँ जो मैंने तुम्हें बताए हैं। ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी तो है ही, प्रतिबिंब समावयवी में कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब क्या हुआ इसका कि एक दूसरे के ऊपर इनको धक्का नहीं जा सकता। साधारण भाषा में ये मतलब धक्का नहीं जा सकता, एक से दूसरे को धक्का नहीं जा सकता। अच्छा अब आते हैं डायस्टेरियोमर्स में। देखो डायस्टेरियोमर्स में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी ये भी, ऐसा नहीं कि ये प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, प्रतिबिंब समावयवी ये भी हैं, लेकिन इनमें एक दूसरे के ऊपर ढका जा सकता है, एक को दूसरे के ऊपर ढका जा सकता है। ये बात आई समझ में? कैसे? देखो मैं अब इसकी संरचना में देख रही हूँ, ऐसे मैंने इसको रखा होगा, ऐसे रखने के बाद इसकी जो मुझे संरचना प्राप्त होगी वो ऐसी संरचना प्राप्त होगी, ठीक है। अब इस संरचना को उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया, पहले वाली संरचना के ऊपर रख दिया, ढक देंगे दोनों दूसरे, तो ये इस तरह के समावयव है कि एक दूसरे मिरर में देखने पर एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी प्रतीत होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर ढका जाता है तो एक दूसरे को ढक भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये वो प्रतिबिंब समावयवी है नहीं दी, और उन्होंने संरचना बनाने का क्या तरीका बताया था उसको फिशर का प्रक्षेपण सूत्र बोलते हैं। उन्होंने संरचना बनाने का तरीका बताया था कि संरचना बनाने के लिए किसी भी प्रकाशनीय समावयवी की संरचना बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है, लंबवत लाइन खींच लेते हैं, पहले लंबवत लाइन खींच कर जितने भी हमारे पास किरार के उपस्थित हैं या जितने भी हमारे पास कार्बन उपस्थित हैं, किरार के दिन छोड़ो, जितने भी हमारे पास कार्बन उपस्थित हैं वो कार्बन के बराबर हम एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, उस कार्बन के बराबर हम क्या खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, हम इस तरह की लाइन खींच लेते हैं। ये बात समझ में आई? पहली लाइन हमने खींची इस तरह की, दूसरी लाइन हमने खींची इस तरह की, ठीक है, और इस खींचने के बाद अब हम तीसरा काम क्या करते हैं, ये दो काम किए हमने, तीसरा काम क्या करेंगे कि जो
पहले कार्बन पर लगा हुआ समूह है उसको ऊपर लगा दें, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे ग्लूकोज में यहाँ पर CHO लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले कार्बन पर वो समूह लगाते हैं जो नीचे लगा हुआ है, CH2OH ग्लूकोज में नीचे लगा हुआ है, ठीक है। फिर ग्लूकोज में पहले कार्बन पर OH लगा, H लगा, दूसरे कार्बन पर भी OH लगा, H लगा, तीसरे कार्बन पर OH इस तरफ आ गया, एच इस तरफ आ गया, चौथे पर फिर से OH और एच आ गया, ठीक है। और एक और फिगर में चौथा पांचवा और छठा OH और, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच सॉरी छठा कार्बन में नीचे पहले ही ले चुके हैं ये अपना छठा कार्बन। ये फिशर का प्रक्षेपण सूत्र है। ग्लूकोज में भी अगर तुम्हें याद आता है तो ग्लूकोज में भी हमने पढ़ा था डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, मतलब वो भी प्रकाश ये समावर्तता प्रदर्शित करते हैं जब उनके उनमें उसके विलयन में से ग्लूकोज के विलयन में से जब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है पास किया जाता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश या तो दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाता है या फिर बाएँ हाथ की तरफ मुड़ जाता है। अगर दाएँ हाथ की तरफ मुड़ता है तो उसको हम डी बोलते हैं और अगर बाएँ हाथ की तरफ मुड़ता है तो उसको हम एल बोलते हैं। डी को हिंदी में दक्षिणावर्ती बोलते हैं और एल को हिंदी में वामावर्ती बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, अब इसके बाद आते हैं अपनी वास्तविक संरचनाओं पर जो हम बनाते हैं। देखो ये मैंने कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखा, इसकी संरचना मैं तुम्हारे सामने बनाऊँ। इस सूत्र में क्या क्या है, CHCOOH और इस CH के साथ भी एक OH लगा हुआ, इस CH के साथ भी एक OH लगा हुआ। अब मुझे इसे फिशर के अनुसार लिखना। देखो फिशर के अनुसार मैंने लाइन बना दी, दो समूह, ये पहला समूह है और ये अंतिम समूह, ये दोनों समूह लगा दिए, COOH मैंने लगा दिए और COOH मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन बीच वाले का, ये दोनों बीच वाले का, दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक OH लगा हुआ है, मैंने यहाँ लगाया OH, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लगाया, ठीक है, बात समझ में आई। अब दूसरी संरचना में बना रही हूँ COOH ऊपर लगाया, COOH नीचे लगाया, ठीक है, यहाँ मैंने लगाया OH और यहाँ मैंने लगाया एच, यहाँ लगाया OH और यहाँ लगाया, दोनों संरचनाओं को ध्यान से, ये पहली संरचना है, ये दूसरी संरचना है, दोनों संरचनाओं को ध्यान से देखो। ग्लूकोज में भी डी और एल हमने किस आधार पर निर्धारित किया था, जो पहले कार्बन से CHO के नीचे वाला जो कार्बन, उस कार्बन पर OH अगर दाहिने हाथ की तरफ था तो उसको हमने डी बोला था और OH अगर बाएं हाथ की तरफ था तो उसको हमने एल बोला था। यहाँ भी पहले कार्बन के आधार पर ही निर्धारित करेंगे, पहले कार्बन पर अपना OH इस तरफ था दाहिने हाथ की तरफ, इसका मतलब डी या प्लस टार्ट्रिक अम्ल, क्योंकि टार्ट्रिक अम्ल की संरचना है। यहाँ पर पहले कार्बन पर OH बाएं हाथ की तरफ एल टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल, ये बात समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो संरचनाएं और प्राप्त हो सकती हैं, वो संरचनाएं क्या प्राप्त हो सकती हैं कि यहाँ पर OH OH और इसमें OH इस तरफ आ जाए OH OH H H C W, दो संरचनाएं और प्राप्त हो सकती हैं। अब इन दोनों संरचनाओं को अगर तुम ध्यान से देखोगे एक दूसरे के प्रतिबंध समावयवी हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबंध समावयवी हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से इसमें देखोगे तो इस अणु की आधी संरचना, इस अणु की आधी संरचना नीचे वाली संरचना इसके ऊपर आ सकती है। इसको अगर मैं ऐसा उल्टा कर दूँ तो उसी के ऊपर आ जाएंगे, इसको उल्टा कर दूँ तो इसके ऊपर आ जाएंगे, ये बात समझ में आई। मतलब क्या होगा कि इस अणु का आधा भाग इसको जितनी तरफ घुमाएगा उतनी ही तरफ इसका दूसरा भाग घुमाएगा, ये बात समझ में आई, जितनी तरफ ये घुमाएगा उतनी तरफ ये घुमाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, इस अणु को के नीचे भाग को मैंने 180 डिग्री घुमा दिया, नीचे वाला भाग, ये संरचना प्राप्त होगी। इस अणु के नीचे वाले भाग को मैंने 180 डिग्री घुमा दिया, ये संरचना प्राप्त होगी, ये बात समझ में आई। इस तरह कुल मिलाकर टोटल चार
संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। और इन दोनों संरचनाओं में जो ऊपर वाला भाग है नीचे वाले भाग के बिल्कुल बराबर है, जितना ये घुमाएगा उतना ही ये भी घुमाएगा, लेकिन दोनों का जो घूर्णन है विपरीत दिशा में आएगा, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर, तो दोनों का घूर्णन विपरीत दिशा में आएगा, इसका घूर्णन इस तरफ आएगा, इसका घूर्णन इस तरफ आएगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। उदासीन स्थिति आ जाएगी, मतलब जितना मैंने इसके नीचे देखो डी और एल नहीं लिखा, क्योंकि एक डी बताएगा और एक एल बताएगा, एक डी बताएगा एक एल बताएगा, दोनों अलग अलग बताएंगे, मतलब इसको अगर घुमा दिया जाए नीचे वाले भाग को तो नीचे वाले भाग को घुमा दे हमारी डी संरचना आ जाती है, और इसको अगर घुमा दिया जाए नीचे वाले भाग को तो हमारी संरचना आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों संरचनाएँ डी और एल का मिश्रण है। तो अगर प्राकृतिक रूप से डी और एल संरचनाओं का मिश्रण किसी यौगिक में पाया जाता है तो उस संरचना को मिजो रूप को उसका मिजो रूप कहा जाता है। ये डी रूप है, ये एल रूप है, और ये इस टार्टरिक अम्ल के दोनों ही टार्टरिक अम्ल के मिजो रूप, ये मिजो संरचना, ठीक है। ये बात आई समझ में। अब एक चीज और देखो, देखो जो पहला है और दूसरा है एक दूसरे के प्रतिबिंब समावर्ती। दूसरी चीज, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो OH तो यहाँ आ रहा है, H यहाँ आ रहा है, मतलब एक दूसरे को ढकते नहीं, ढक नहीं रहे एक दूसरे को, तो हमारी पहली कैटेगरी हो गई इनेंशियोमेट्री, प्रतिबिंब समावर्ती। एक दूसरे के प्रतिबिंब समावर्ती तो हैं लेकिन ढक नहीं रहे एक दूसरे, ये बात आई समझ में। अब इसमें देखो दूसरी संरचना में इसको अगर उठा के यहाँ रखूँ इसमें वही बात आ रही है, प्रतिबिंब समावर्ती लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पहला और तीसरी संरचना मैंने तुम्हें अभी बताया था तुमने पहले, अगर इसके नीचे वाले भाग को घुमा दिया जाए तो पहली संरचना प्राप्त हो जाएगी तीसरी संरचना से, अगर इसके नीचे वाले भाग को घुमा दिया जाए तो दूसरी संरचना प्राप्त हो जाएगी इस चौथी संरचना से, ये बात आई समझ में। तो ये इनमें आपस का संबंध है, ये जो चार लोग बने हुए हैं ये इनमें आपस का संबंध है। अब ये चार लोग कैसे बने, देखो मैंने किराल कार्बन के बारे में कल बताया था कि किराल कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर अलग अलग समूह लगे हुए हैं। टार्टरिक अम्ल में दो किराल कार्बन हमने कल भी बताया था, वापस बता रहे हैं। देखो इस कार्बन को देखो, एक समूह COH लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, एक OH, H को मैं नीचे की तरफ, इसमें भी H को मैं नीचे की तरफ, चार अलग अलग समूह आ गए, ठीक है, दो किराल कार्बन आ गए, और जितना किराल कार्बन की संख्या होती है उसका दोगुना, किराल कार्बन की संख्या दो है तो दो गुण दो प्रतिबंध की संख्या, ये अपनी टोटल चार प्रतिबंध बन गए, टोटल चार संरचनाएं बन गई, ठीक है, ये बात आई समझ में। तो अगर टार्टरिक अम्ल के बारे में पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल की कितनी संरचनाएं बन सकती हैं, कितनी प्रकाशीय संरचनाएं बन सकती हैं, तो क्योंकि उसके अंदर किराल कार्बन की संख्या दो है तो उसमें चार प्रकाशीय संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, ये बात समझ में आ गई होगा। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम, पहले इसको खत्म करती हूँ फिर दो संरचनाएं और बताऊंगी। रेसिनिक मिश्रण के बारे में मैंने कल बताया था कि यदि डी और एल दोनों ही रूप 50% 50% उपस्थित है तो उसको हम रेसिनिक मिश्रण बोलते हैं, लेकिन रेसिनिक मिश्रण बनाया जाता है, रेसिनिक मिश्रण बनाया जाता है, बना हुआ नहीं होता, जो बनी हुई होती है वो मिजो रूप होती है, रेसिनिक मिश्रण बनाया जाता है। जैसे मैं एक दूसरा सूत्र लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा एक सूत्र ये और एक सूत्र, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा H और यहाँ लिखा OH, यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा OH, यहाँ मैंने लिख दिया CH2OH CH2OH, यहाँ पर मैंने लिखा CHO, यहाँ मैंने लिखा CHO, ये D L हो गई, यहाँ डी गुरु से हो, ये D है और ये L, ठीक है, क्योंकि ग्रुप से नीचे वाले कार्बन पर OH जिस तरफ होगा वो निर्धारित करेगा कि डी कौन सा एल कौन सा, ठीक है। इस इसका नाम है ग्लिसरल डी हाइड, ग्लिसरल डी हाइड, ग्लिसरल डी हाइड, देखो ये ग्लिसरल डी हाइड का मैंने फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखा है, एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म, यदि इनका 50-50% ले लिया जाए, डी को भी 50% ले लें और एल को भी 50% ले लें, तो जो हमें मिलेगा डी और एल दोनों को 50-50
प्रतिशत मिलाने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, एसिडिक मिश्रण का। और मीजो फॉर्म जैसे टाइट्रेट अमोनिया मिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, डी और एल फॉर्म उसकी बनती हैं, ये तो हमें कल भी पता था जब हमने प्रकाशीय समरूपता शुरू की थी, हमें पता था कि लुई पाश्चर का जो प्रयोग था वो टाइट्रेट अम्ल के ऊपर ही प्रयोग था, सोडियम अमोनियम टाइट्रेट के ऊपर लुई पाश्चर का प्रयोग था। तो जो लुई पाश्चर का प्रयोग था, लुई पाश्चर ने अपना प्रयोग करके बता दिया था कि इस अणु के विलयन के द्वारा जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो एक बार तो वो दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाता है, दूसरी बार वो बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है। इसका मतलब डी और एल तो इसके अंदर थे। और अब हमें ये पता चला, थोड़ा विस्तार से जानकारी लेने पर हमें ये पता चला कि टाइट्रेट अम्ल के मीजो रूप भी प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब वो मीजो रूप में भी होता है। तो जो मीजो रूप है वो डी और एल का मिश्रण ही तो है, डी और एल हमने मैंने तुम्हें दोनों बनाने के तरीके बताए इससे, तो ये इसका मिश्रण ही तो है। तो ये जो मिश्रण है जो प्राकृतिक रूप से बना बनाया मिश्रण है या बन जाता है, डी और एल का 50-50% मिलने के बाद जो बन जाता है अपने आप प्राकृतिक रूप से, उसको मीजो रूप बोला जाता है। ये बात समझ में आई होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अब रेसिनिक मिश्रण जो बनाने की प्रक्रिया है। जैसे हम ग्लिसरडिहाइड का रेसिनिक मिश्रण बनाएं तो उसको रेसिनीकरण बोलते हैं। अब इस रेसिनीकरण से जैसे हमें ये रेसिनीकरण प्राप्त हुआ, मीजोफॉर्म में प्राप्त हुई, हम चाहते हैं अब इनमें से डी अलग कर लिया जाए और एल अलग कर लिया जाए। तो अलग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो तरीके हम बोर्ड पर लिख लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बस तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। सबसे पहला तरीका है यांत्रिक विधि। देखो, डी और एल दोनों ही रूप जब प्राप्त हो चुके हैं तो दोनों ही रूप के गुणों के बारे में हमें पता है, दोनों ही रूप के गुणों के बारे में हमें पता है। और जब हम समावयवी पढ़ रहे हैं तो समावयवी में इतना तो है कि कुछ ना कुछ गुण तो अंतर आएंगे। ठीक है, अणुसूत्र समान रहेगा, संरचना में समानता हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर आएगा। जैसे अगर टाइट्रेट अम्ल के डी और एल को हम अलग करना चाहते हैं, पृथक करना चाहते हैं, तो क्रिस्टलोग्राफिक मेथड, क्रिस्टल बनाने की विधि के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। और लुई पाश्चर ने यही किया था, उसने मीजो फॉर्म में से डी और एल को अलग अलग निकाल प्राप्त किया था। अलग अलग प्राप्त कैसे किया था कि एक के क्रिस्टल थोड़ा जल्दी बनते थे और एक के क्रिस्टल थोड़ा देर से बनते थे। तो जो यांत्रिक विधि क्या, मतलब जो हमने करके देखा काम, अपने आप करके देखा काम, कोई दूसरा काम नहीं किया उसको, हमने अपने आप करके देखा उसको, हमने अपने आप उसका क्रिस्टल बनाया, इसलिए उसको यांत्रिक विधि या मैकेनिकल विधि बोला जाता है। दूसरी जो अपनी विधि है बेटा, जैव रासायनिक विधि। देखो, जैव रासायनिक विधि में क्या आएगा, अब मैंने यीस्ट ले लिया और मुझे पता है कि जो यीस्ट है वो डी ग्लिसरलडिहाइड को तो विघटित कर देता है और एल ग्लिसरलडिहाइड को विघटित नहीं करता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन संरचनाओं के बारे में, इन अणुओं के बारे में पूरी जानकारी पहले से प्राप्त कर चुकी हूँ कि ये किससे अभिक्रिया कर सकते हैं, किससे अभिक्रिया नहीं कर सकते। तो मुझे ये पता चला है कि जो ग्लिसरलडिहाइड की डी फॉर्म आती है वो यीस्ट उसको नष्ट कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है, लेकिन एल को नहीं कर सकता। और मुझे एल ही बनाना है तो मैं क्या करूँगी कि जिस विलयन में मेरे पास डी और एल दोनों उपस्थित हैं, मैं क्या करूँगी उसमें यीस्ट डाल दूंगी, तो यीस्ट डालने पर वो डी को तो खत्म कर देगा लेकिन एल मुझे प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई ये बात? तो ऐसे ही हमें जो जैव अणु होते हैं हमारे, जैसे यीस्ट है, फंगस है, हम उनके बारे में भी हमें पूरी पता है, हमें उनके बारे में पूरी जानकारी है कि वो क्या क्या अपने भोजन के पदार्थ के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो जिसको भी लेंगे भोजन के पदार्थ के रूप में वो तो नष्ट हो जाएगा और जिसको नहीं लेंगे वो बचा रह जाएगा। ये बात आई समझ में? तो ये जैव रासायनिक विधि है। अब तीसरी विधि आ जाओ, रासायनिक विधि। इसमें हमने किसी जैविक अणु के द्वारा अभिक्रिया नहीं कराई, इसमें हमने एक रासायनिक पदार्थ लिया। देखो, मैं इनके सारे गुण अध्ययन कर चुकी हूँ और मुझे ये पता है कि अगर मैं एसिडिहाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालती हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर इसकी डी फॉर्म
अलग हो जाती है और एल फॉर्म विलियन के अंदर बची रह जाती है। तो मैं डाल दूंगी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो विधि है, ये विधि क्या बताती है? ये विधि निर्भर करती है अम्लीय और क्षारीय गुण पर। अगर अम्लीय गुण वाला पदार्थ है तो उसमें क्षार मिला जाते हैं, और अगर क्षारीय गुण वाला पदार्थ है तो उसमें अम्ल मिला जाते हैं। अम्ल और क्षार मिलाने पर दोनों अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये है कि हम कोई भी रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे जिसके बारे में हमें पहले से पता होगा कि ये एक के साथ तो अभिक्रिया करेगा, उसको तो खत्म करेगा, विलयन उसके साथ लवण बनाएगा, लेकिन दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। एक और विधि है क्रोमेटोग्राफी, कोलम क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, क्रोम शब्द का मतलब होता है कलर, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है। क्रोम का मतलब है रंग, ग्राफी का मतलब, ग्राफ का मतलब होता है पेपर, ग्राफ का मतलब है पेपर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या हुआ? यदि पेपर की सहायता से जो कि एक विलयन के अंदर डुबाया जाता है, उसको डुबाने पर वो क्या करेगा? डी फॉर्म को तो अवशोषित कर लेता है, एल को छोड़ देता है, उल्टा भी हो सकता है, एल को अवशोषित कर ले और डी को छोड़ दे। तो जिसको वो अवशोषित करता है उसके साथ वो कोई रंग देता है, जिसको अवशोषित नहीं करता उसके साथ रंग नहीं देता। या अगर दोनों को ही अवशोषित करता है तो किसी को तो जल्दी अवशोषित करता है, किसी को देर से अवशोषित करता है। तो देर, जल्दी और देर से अवशोषित करने पर हमें इस पेपर के ऊपर, जैसे यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गई है एल फॉर्म, और थोड़ा और आगे जाने पर मुझे डी फॉर्म प्राप्त हो गई। दोनों अलग अलग रंग देते हैं क्योंकि दोनों की अभिक्रियाएं अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग रंग दे रहे हैं। तो मुझे डी फॉर्म तो थोड़ा ऊंचाई पर प्राप्त हो रही है और एल फॉर्म थोड़ा जल्दी प्राप्त हो रही है, यहीं रुक जाता विलयन, यहीं से एडजॉर्ब होगा विलयन, यहीं रुक जाएगा, अधिशोषित होगा यहाँ रुक जाएगा, इसको अधिशोषित होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो डी फॉर्म में मुझे बाद में प्राप्त हो रही है, एल मुझे पहले प्राप्त हो रही है, मैं तो अलग कर सकती हूँ। बात आई समझ में? चार मेथड है, यांत्रिक विधि, जैव रासायनिक विधि, रासायनिक विधि या फिर कोलम क्रोमेटोग्राफी विधि, जिनके द्वारा रासायनिक मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगर रासायनिक मिश्रण बन गया है या प्राकृतिक रूप से गर्मी जो फॉर्म है तो उनको अलग करने की ये सब विधियाँ। अब अपने प्रकाशीय समावर्तता आज खत्म हो गई बेटा। अब जो कल हम पढ़ेंगे संरूपण समावर्तता, जिसको कॉन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। संरूपण समावर्तता कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और मैं एक बार टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखकर अगर मुझे लगते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने टॉपिक में अभी तक कवर नहीं हुए हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी तुम्हें कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो तुम लगातार देखते रहो, और देखने के बाद जो फीडबैक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई फीडबैक भेजना है तो वो फीडबैक मेरे पास भेजते रहो, क्योंकि फीडबैक आता रहेगा तो इम्प्रूवमेंट आता रहेगा अपने वीडियोज़ में। अपने पास अभी यही तरीका है, तो अभी प्रकाशीय समावर्तता आज अपनी कंप्लीट हो गई है और कल अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।